वेलकम टू जेड एस फार्मा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, जो फॉर्म्स निकले हैं, उसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ओके, सो जैसे ही आप लोग एक वेबसाइट के ऊपर जाओगे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं RRBApply.gov.in, तो इसी वाली वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। बाकी जो दूसरी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर आपका सारा कुछ कम्युनिकेशन होगा, इसी के ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट का जैसे ही इंटरफ्रेंस ओपन होता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने फॉर्मेट्स दिए गए हैं, तो वो फॉर्मेट्स भी आप लोग देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप, अगर आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट आपने क्रिएट किया है इसके पहले, अगर आपने कोई RRB के अंदर अप्लाई किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और अगर आपके पास में नहीं है तो एक नया अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे नेशनलिटी वगैरह पूछेगा, तो उसके अंदर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपका नेम है, ठीक है, नेम भी आपको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में आपको ये जो नेम है आपका, ये फिर से सेम जो है आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद में अगर आपने आपका नेम चेंज किया है, बहुत सारी बार होता है ना कि कई बार हमारा कुछ गलत नाम डाले जाता है, तो उसके बाद में चेंज करते हैं, तो अगर आपने चेंज किया है शादी के बाद में, आफ्टर मैरिज भी नेम चेंज होता है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। ओके, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को बहुत इश्यू होता है, बहुत अच्छे से आपको डेट ऑफ बर्थ बिना गलती के डालना है, क्योंकि एट द एंड जब आपका सिलेक्शन होगा तो डेट ऑफ बर्थ की बेसिस के ऊपर ही आपका जो है मेरिट डिसाइड होगा। ओके, देन उसके जैसे कि अगर दो कैंडिडेट को सेम मार्क्स आते हैं, तो कभी कभी टाई ब्रेकिंग के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ का भी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में जेंडर, देन उसके बाद में फादर्स नेम, देन उसके बाद में मदर्स नेम, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार नंबर डाल के, उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस पुटअप करना है और मोबाइल नंबर डालना है। देन यहाँ पर आप लोग जब जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे, तो आपने जो भी ईमेल डाला है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद में मोबाइल नंबर के ऊपर भी सेम चीज़ करना है, आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी आपका ओटीपी आएगा वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है अच्छा सा, ठीक है। पासवर्ड के अंदर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, और कोई स्पेशल केस नंबर, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर, या कोई यहाँ पर कैप्चा कोड कर इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो इस वाले पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। देन उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर जो है अपना जो भी ईमेल एड्रेस है और जो भी पासवर्ड हम लोग ने उस टाइम पे सेट किया था, वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डालता हूँ, और फिर पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा, यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिखा रहा है वो डालने के बाद में यहाँ पर हम लोग लॉग इन करते हैं। देन यहाँ पर इस तरह से लॉग इन होने के बाद में आपको एक इस तरह से इंटरफ्रेंस ओपन होगा, जहाँ पर जो है आपको फर्स्ट के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद में जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन हिस्ट्री, तो और यहाँ पर ऊपर टाइमिंग टाइमर चलता है, तो हम लोग को जो है विद इन 30 मिनट्स ये सारी प्रोसेस करनी है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, तो आपको जस्ट फिर से एक बार लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी आपने वो किया है, मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कौन से फॉर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे फॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम लोग को जो है पैरा मेडिकल के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। अब पैरा मेडिकल के अंदर उसके बाद में आपको पूछेगा कि आपको जो है कौन से RRB के लिए चूज़ करना है।
अब ये कौन से आरआरबी के लिए आप चूज करोगे, तो इसके लिए मैंने जो नोटिफिकेशन है, जो डीन का डिटेल नोटिफिकेशन था, यानी कौन से आरआरबी के जोन में कितनी वैकेंसी है, तो उसके अंदर आप लोग कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, कौन से रीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं, और कहाँ का जो है मेरिट लास्ट ईयर का कम आता है, तो उसको आप लोग उस वाली वीडियो से चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि आपको किस तरह से कॉम्पीट करना है अलग अलग रीजन के अंदर। तो अभी तो हम लोग एक ही रीजन का फील कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं मुंबई रीजन से इसको फील करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ओके करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में जो भी हम लोग ने प्रीवियस जो डेटा सबमिट किया है वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। तो ले लेने के बाद में यहाँ पर आप लोग नीचे जब जाओगे तो यहाँ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना है, रिलीजन के अंदर जो भी आपके रिलीजन है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मदर टंग के अंदर जो भी मदर टंग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, अभी आप लोग कौन से लैंग्वेज के अंदर एग्जाम दे सकते हैं, तो इसके अंदर देखिए आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, लेकिन जनरली हम लोग ने फार्मेसी इंग्लिश में पढ़ा है तो हम लोग इंग्लिश के अंदर ही एग्जाम देंगे। देन यहाँ पर अगर आपके पास में कुछ परमानेंट विजिबल मार्क्स है तो आपको दो डालना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जैसे कि मोल ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर, या फिर अगर आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर मोल है या फिर आइज के नीचे है, तो उस तरह से आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप EWS डाल रहे हैं तो EWS आपके पास में सेंट्रल वाला होना चाहिए, अगर आप OBC डाल रहे हैं तो OBC भी आपके पास में सेंट्रल वाला होना चाहिए, अगर अनरिजर्व है तो फिर डॉक्यूमेंट्स थोड़े से कम लगते हैं, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो हम लोग को यहाँ पर डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट भी डालना है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो फिर इसको जस्ट आप टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से डाल सकते हैं। देन उसके बाद में विलेज, तो विलेज या फिर टाउन कौन सा है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट यहाँ पर आपको एक टिक करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर एज इट इज ले लेगा, ओके। देन उसके बाद में आप लोग जब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ओके, ठीक है। यहाँ पर सेव करने के बाद में जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आप जो है एक सर्विस मैन है तो आप यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो। देन उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आई बटन के ऊपर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ओनली पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन रिजर्वेशन इन रिस्पेक्टिव कम्युनिटी इन सर्विस पोस्ट हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी। तो मिनिमम इनका जो क्राइटेरिया है वो 40% मिनिमम डिसेबिलिटी रहेगी तभी PWBD के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ओके। उसके बाद में EBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो यस कर सकते हैं, नो तो फिर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आपने पहले ही रेलवे के अंदर आपने अगर अप्लाई किया है या फिर अगर आप इम्प्लॉय है रेलवे के तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में कौन से आप करंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर आप लोग कहीं नहीं काम कर रहे तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं फील करना है, मतलब कि आपको
ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आप किसी भी जैसे कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं, स्टेट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से जब आप लोग किसी भी गवर्नमेंट का सिलेक्ट करते हो तो आपको ये बोलता है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ DV। तो आपको जस्ट यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड करके लिखना है, देन उसके बाद में आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो आपको लिखना है, देन उसके बाद में आपने कब से ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आर यू स्टिल वर्किंग? यस। उसके बाद में आपको जो है बैंक अकाउंट देना है। बैंक अकाउंट और ये जो चीज़ है, तो मैंने जैसे बताया था आपका जो फीस है वो रिफंड होगा अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, उसके बाद में जो आपको कंफर्म अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आपने डाला है उसी का कंफर्मेशन देना है, IFSC कोड देना है, देन वो कंफर्म होगा IFSC कोड, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, ओके। देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसके अंदर से आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड का आप डालेंगे कौन से स्टेट से हुआ है, कौन से बोर्ड से हुआ है, क्या रोल नंबर था, क्या डेट ऑफ पासिंग था, वो सब कुछ डालने के बाद में आप 12th का डालने का, उसके बाद में बी फार्म या डी फार्म का आप लोग डालेंगे, तो इस तरह से ऊपर जो है टेबल बनकर आएगा, ओके। ये सब डिटेल जब आप लोग फिल कर लेंगे, ओके, तो उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है वर्क एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास में जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कौन सी डेट को स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पुटअप करनी है। उसके बाद में जब आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक इस तरह से पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, और फोटो जो है वो आपका क्लियर फोटो होना चाहिए, उसके अंदर आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आइज भी आपकी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ओके। और उसके अंदर फेस जो है और जो आपका हेड है वो कवर नहीं होना चाहिए, फोटो के अंदर शेडो नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है। फोटो की जो साइज है वो 320x240 पिक्सल होना चाहिए, और जो साइज होना चाहिए वो 30 से लेकर 70 KB जो है इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी ये डायमेंशन दिया गया है, सिग्नेचर का भी सेम स्पेसिफिकेशन है। ये करने के बाद जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको पूछेगा कि आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप लोग प्लस बटन के ऊपर करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में साइड में आपका एक प्रेफरेंस के जैसा लिस्ट होगा, तो उसके अंदर आप लोग जो है अपने प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से पोस्ट को प्रेफर करना है, ओके। देन उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर एक आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबिलिटी, सारे डिक्लेरेशंस को आपको टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे यस करके और फिर उसको आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको फीस पेमेंट का पूछा जाएगा, तो फीस जो है 500 है, जिसके अंदर से आपका एग्जाम अगर आप अपियर करते हैं तो 400 रुपीज आपके जो है बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे, मतलब कि फीस जो है वो 100 रुपीज ही फीस है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स है, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, ओके। फॉर्म फिल करने के बाद में जब भी इसकी एग्जाम डेट आएगी तो उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, और जो इसका सिलेबस है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इफ़ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट एवरी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसीज आती है, जो भी आ रही है, तो अगर आप लोग उसके बारे में कंटिन्यू टच में रहना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ZS Pharma। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।